Good morning, students. Today we will discuss about the primitive mammals, Prototherians. यानी आदिम जो स्तनधारी हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे. तो subclass Prototheria, ये class Mammalia की एक पहली subclass है Prototheria. Prototheria जो शब्द है, वह ग्रीक भाषा के proto plus therian शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है proto यानी first. और थीरियन मतलब होता है ब्रेस्टेड एनिमल्स, जो दूध पिलाने वाले एनिमल्स होते हैं, जिनके मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, ऐसे एनिमल्स को थीरियन कहते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज मोनोट्रीम्स, इनको मोनोट्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोनोमी सिंगल, ट्रीम्स माने छिद्र, यानी ऐसे एनिमल जिनमें यूरिन के लिए और मल त्याग के लिए एक ही छिद्र पाया जाता हो, ऐसे एनिमल्स को मोनोट्रीमेटा कहते हैं. द मोनोट्रीम्स डिफर फ्रॉम द अदर मैमल्स बाय हैविंग मेनी पेक्यूलियर कैरेक्टर्स, दूसरे स्तनधारियों से ये बहुत सारे विशिष्टताओं के कारण ये भिन्न होते हैं. द फीमेल्स ले एग, इनकी फीमेल जो है वो बच्चे पैदा नहीं करती है, बल्कि अंडे देती हैं. मेमोरी ग्लैंड्स ले टीट्स एंड निपल्स, इनकी जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके ऊपर निपल्स नहीं पाई जाती. द टेस्टिस आर एब्डोमिनल, इनकी जो टेस्टिस है मेल के अंदर वो उधर गुहा के अंदर पाए जाते हैं, बाहर शरीर से बाहर लटके हुए नहीं रहते. The ureter open into a distinct cloaca. इनकी जो ureter है वो cloaca के अंदर खुलती है. Cloaca receive the opening of urinary bladder, vas deferens and ureter. ये सारी चीजें vas deferens, ureter, ये सारे cloaca के अंदर खुलती हैं. It is now presumed that the Jurassic Triconodont are the ancestors of the extinct Prototherians. Extinct यानी दूरस्थ Prototherians जो थे उनके Triconodont पूर्वज के रूप में माने जाते हैं. This subclass includes the three orders, Triconodonta, Symmetrodonta and Monotremata. सबसे पहले Triconodonta, Triconodonta, tri means three, cono means conodonta, यहाँ क्या दांत पर पाए जाने वाले जो कस्प हैं, वो यदि तीन कस्प वाले दांत हों, तो उन्हें Triconodont कहते हैं. This was not bigger than the present day cats. ये बिल्ली से ज्यादा बड़े नहीं होते थे. The brain was small and primitive. इनका जो सिर है वो मस्तिष्क है छोटा होता था. Jaws were elongated and considerably array from the differentiated teeth and they were four incisors and single canine and nine post canines. Canine or post canine or इस प्रकार के दांत पाए जाते थे. The molar teeth of the Triconodont had three cusps arranged in a row from which the order derived its name. ये तीन एक लाइन में तीन कस्प एक दांत में पाए जाते थे, जिसके कारण इसका नाम Triconodonta पड़ा. The lateral wall of the skull is not formed by the elasthenoid bone but by the extension of petrosal, a derivative of proaortic and opisthotic bone. The member of Triconodont are found ranging from the upper Triassic to the lower Cretaceous. Upper Cretaceous से लेकर के और lower Cretaceous तक के ये Triconodont पाए जाते थे. For example है Amphilastis, Triconodon, Priodon और Agentrodon, ये इसके एग्जाम्पल हैं. जैसे इसमें ये दिखाया गया है कि रेप्टाइल्स का जब विकास हुआ, ओरिजिन हुई उनकी, तो उनसे थेरैपसिड जैसे स्तनधारियों के पूर्वज बने. उसके बाद में साइनोडोनसिया बने फेमेली, जिससे एक शाखा निकली, जैसे डायोडोन नाम के, डोकोडोन नाम के एनिमल्स पाए जाते थे, उनके जीवाश्म पाए जाते हैं. उसके बाद में मेमल्स के बाद में थेरिफॉर्मिस, जैसे कि फ्रूटा एफोसर एनिमल बने, उनसे एक शाखा अलग निकल गई, फिर उससे ग्लूरोडॉन ग्रैंडिस बने, फिर उसके बाद दूसरी एक शाखा निकली जिसे प्रियोडॉन बने, और उससे फिर एक अलग शाखा निकली जिसे इनडिटर्मिनेट ड्रायोलेस्टिस बने. इस प्रकार से इनका ओरिजिन हुआ. ये Triconodont एनिमल हुआ करते थे जो बिल्ली के या मैक्सिमम कुत्ते के समान होते थे, जिनके दांत तीन कस्प वाले होते थे. दूसरा है Symmetrodonta. सिमिट्रोडोंटा यानी जिनके दांत सिमेट्रिकल पाए जाते हों, इनमें दो कस्प या चार कस्प पाए जाते हों, जिसके कारण उनकी दांतों की सिमेट्री बनी रहती है, ऐसे एनिमल्स को सिमिट्रोडोंटा कहा जाता. दे रिजेंबल द पेंटोथीरियन इन द मेनी रेस्पेक्ट. ईच मोलर टीथ है व्हेन लुक्ड एट द क्राउन व्यू प्रेजेंट थ्री कस्प अरेंज्ड इन ए परफेक्ट सिमिट्रिकल ट्राइंगल. एक ट्राइंगल में, सिमिट्रिकल ट्राइंगल में ये पाए जाते थे. Because of this symmetry of cusp in molar, they are known as Symmetrodonta. इस सिमिट्री के कारण इनको Symmetrodonta कहा गया है. जैसे कि Splacotherium है, Pyralastis है, ये इसके एग्जाम्पल है. तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज भी सर्वाइव करते हैं एनिमल्स, वो है Monotremata.
यानी मोनो मींस सिंगल, ट्रिमा मींस अपर्चर, सिंगल अपर्चर वाले जिनके अंदर एनस और यूरिथ्रा के स्थान पर केवल क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है, ऐसे स्तनधारियों को मोनोट्रिमेटा कहा जाता है। ये अपने आप में एक विशिष्ट स्तनधारी हैं जिनमें क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है। मोनोट्रिम्स ऑक्यूपाई ए मोस्ट इंटरेस्टिंग पोजिशन अमंग मेमल्स बिकॉज ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एनाटॉमिकल पेक्यूलरिटीज एंड सिस्टमेटिक पोजिशन। इनमें इनकी एक विशेष वर्गीकृत स्थिति और इनमें पाई जाने वाली जो शरीर की अंतरांगों में विशिष्टता है उनके कारण और इनके वितरण के कारण इनकी एक अलग पोजीशन है। द रेप्टिलियन एंड मैमेलियन कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मोनोट्रिम्स लीड टू वन थिंग दैट द मैमल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल। इनमें रेप्टाइल के साथ में जो पेक्यूलरी जो सिमिलरिटीज हैं वह एक आदमी को मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि निश्चित रूप से स्तनधारियों का विकास रेप्टिलियन से हुआ है, इतनी सारी उसमें इनमें सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। अब जैसे एक ये डक्विल प्लेटिपस है, एक मोनोट्रिमेटा या प्रोटोथीरियन एनिमल है डक्विल प्लेटिपस, जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों ही प्रकार का है। वैसे वेल एडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ, पानी में तैरने के लिए ये बहुत एडेप्टेड है। इसके पैरों में जाल डेवलप हो गया है उंगलियों के बीच में और इसके जो पैर हैं बिल्कुल फिन के समान डेवलप हो गए हैं। इनमें मुंह के स्थान पर एक चोंच पाई जाती है, चोंच नुमा संरचना, बीक के बतख के चोंच के समान संरचना पाई जाती है। ये अंडे देने वाले प्राणी हैं, उन अंडों में से हैचिंग के बाद में जो बच्चे निकलते हैं वह बिल्कुल इनके समान होते हैं, इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। लेकिन ये अंडज स्तनधारी हैं, इनके अंडे गोल मटमैले रंग के, सफेद रंग के हो सकते हैं और उनकी हैचिंग के बाद में इनमें से जो निकलने वाले बच्चे हैं वो उसी ठीक इनसे मिलते जुलते होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लसलसे लचीले होते हैं। इनका डक्विल प्लेटिपस का जो प्रिय भोजन है वो अर्थवर्म है, केंचुए खाते हैं ये, और मांसाहारी इंसेक्टिवोरस प्राणी हैं ये, और ये केंचुए इनका प्रिय भोजन होते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया, इसमें मुंह के स्थान पर एक बीक है, चोंच है, उस चोंच की सहायता से ये तैर भी सकते हैं, अपनी दिशा बदल सकते हैं। ये अच्छे स्विमर कहलाते हैं क्योंकि इनके दोनों ही पैरों में जाल पाया जाता है और इनके शरीर पर, बदन पर, पूरे बदन पर बाल पाए जाते हैं। तो बालों का पाया जाना स्तनधारियों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसके बाद इनमें इनकी जो पूंछ है वो बिल्कुल डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होती है और जिसके कारण ये पूंछ से आराम से वो तैर सकते हैं पानी में। इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ओनली 3 लिविंग जेनरा इंक्लूडिंग 6 स्पीसीज आर फाउंड टुडे। दे आर डकविल प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर, एकेडना जिसे कहते हैं, एंड प्रो एकेडना। दीज 3 जेनरा आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। डकविल प्लेटिपस हैज ए सिंगल स्पीसीज ऑर्निथोरिंकस एनेटिनस, इसका जूलॉजिकल नाम है ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथो का मतलब होता है चोंच, रिंकस का मतलब होता है जिसका स्नाउट, जिसका स्नाउट चोंच के समान संरचना में बदल गया हो उसे ऑर्निथोरिंकस नाम दिया गया। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड न्यूगिनी, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। द एकेडना और स्पाइनी एंटीटर इंक्लूड्स आल्सो ए सिंगल स्पीसीज टैकीग्लोसस एक्यूलिएटस। टैकीग्लोसस के नाम से इसका एकेडना का जूलॉजिकल नाम है टैकीग्लोसस एक्यूलिएटस एंड रेंज फ्रॉम द न्यूगिनी टू तस्मानिया, तस्मानिया न्यूगिनी से लेकर के तस्मानिया तक पाए जाते हैं। प्रो एकेडना जैसे जेगोग्लोसस, जेगोग्लोसस कहते हैं, जेगोग्लोसस ब्रुजिनी, जेगोग्लोसस नाइग्रोक्यूटिलिएटा इज फाउंड ओनली इन द न्यूगिनी। दिस इज एकेडना और स्पाइनी एंटीटर विच इज सराउंडेड बाई द स्पाइन, पूर होल बॉडी, स्पाइन्स आर फाउंड ऑन द एंटायर बॉडी। इसके जो बाल हैं बीच बीच में बाल भी पाए जाते हैं लेकिन ज्यादातर जो है वो बहुत ही कठोर इनके स्पाइन में बदल जाते हैं और वो स्पाइन ऐसे हैं कि वो अगर एक बार चुभ जाए तो वो घाव बना देते हैं, तगड़े घाव। तो थेरेप्सिड जो रेप्टाइल से थेरेप्सिड जैसे अर्ली मेमल्स बने उनसे वो ट्राइफर्केट हो गए, उनसे एक से प्रोटोथीरियन, दूसरी से मेटाथीरियन, तीसरी से यूथीरियन बने। तो एक जो शाखा थी उससे मोनोट्रिम्स या प्रोटोथीरियन बने, उन प्रोटोथीरियन से एकेडना जैसे प्राणी बने, जैसे कि ये एकेडना है। एकेडना जर्नली जिनके जिनका पूरा शरीर एकदम गोल मटोल ऐसे गेंद के समान संरचना पाई जाती है, इनका उदर मोटा होता है, इसके शरीर के ऊपरी पृष्ठ सतह पर नुकीले कांटे पाए जाते हैं, यानी इनके जो बाल हैं वो कठोर कांटे के समान संरचनाओं में, कील के जैसे कठोर उसमें कांटों में बदल जाते हैं।
इनका मुंह एकदम चोंच के समान आगे लंबा हो जाता है। इसके पैरों के अंदर नाखून पाए जाते हैं, वो नाखून की सहायता से ये पकड़ करके चल सकते हैं, और उन नाखूनों के बीच बीच में जाल भी पाया जाता है, वेब पाया जाता है। इनके इनका मुंह एकदम से यूं लंबा होता है, रीच के समान, तो हाथी की सूंड के समान। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर कंगारू पाए जाते हैं, यानी कंगारू वाले स्थान, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एकेडना पर्याप्त संख्या में खूब पाए जाते हैं, और वही इनका जियोग्राफिकली आइसोलेशन है, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड आइलैंड है जिसके ऊपर वो पाए जाते हैं। इनका प्रिय भोजन आंट है, इसीलिए चींटियां हैं, इसीलिए इनको चींटीखोर या आंट ईटर कहा जाता है। चींटियां ये कार्निवोरस होते हैं, और चींटियों को प्राप्त करने के लिए इनकी जीभ सिलेंड्रिकल लसलसी पतली लंबी धागे के समान संरचना होती है, रस्सी के समान, जैसे कितनी लंबी ये सांप की जैसी इसमें जीभ पाई जाती है। ये अच्छे स्विमर होते हैं, दे आर वेल स्विमर्स बिकॉज दे कैन स्विम एफिशियंटली विद द हेल्प ऑफ देयर वेब्स बिटवीन द डिजिट्स, हाइंड लिम और जो फोर लिम है उनके बीच में जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में जो वेब आया था उसकी सहायता से अच्छी तरह से ये स्विम कर सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक ये दोनों ही स्थानों में पाए जाते हैं। एक्वेटिक में इसलिए जाते हैं कि अगर इसका भोजन की तलाश में अगर उनको भोजन न मिले तो ये पानी में चले जाते हैं, पानी में इंसेक्ट को खाते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस, ये इंसेक्टिवोरस है बेसिकली। इनका जो आवास है वो नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं और झाड़ियों के बीच में पाए जाते हैं, और जहां पर जंगल होते हैं, जहां सुनसान जंगल होते हैं, जहां इनके परवक्षी कम से कम संख्या में पाए जाते हैं, उन स्थानों पर ये आराम से रह सकते हैं, वो इनके इकोलॉजिकल नीचे होते हैं। इनके रहने के जो स्थान है वो पत्तियों के और पेड़ों के नीचे या अपने पैरों की सहायता से, जिससे नाखून होते हैं उनकी पैरों की सहायता से मिट्टी को हटा भी सकते हैं, और ये अगर ये गिर भी जाए ऊपर से तो इनकी चोट नहीं आती क्योंकि इनके शरीर के ऊपर पाए जाने वाले जो कांटे हैं वो उनको झेल लेते हैं, उनको बर्दाश्त कर लेते हैं और उसे जर्क नहीं आता अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स में, इसलिए ये कांटे इनके सुरक्षात्मक उपाय हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म पाए जाते हैं। इसके बाद ये अंडज प्राणी हैं, ये अंडे देने वाले प्राणी हैं, जैसे कि ये अंडा देता हुआ एक एकिडना है, इनके अंडे गोलाकार होते हैं, मटमैले रंग के होते हैं, और कुछ समय बाद में हैचिंग के बाद में इनमें से बच्चे निकलते हैं जो बिल्कुल एकिडना के जैसे होते हैं। एकिडना का बच्चा जैसे आगे की तरफ इसमें ये चोंच के समान संरचना है वो स्नाउट रीजन में वो पाया जाता है, जैसे ये ट्रांसपेरेंट बच्चा है इसमें से अंडे में से हैचिंग के बाद में बाहर निकलता है, तो उसके बाद में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये अंडे में से जब हैचिंग होती है तो इनकी जो मदर हैं वो इनके पास ही पाए जाते हैं, और अपने अपने क्लोइक अपने ब्रेस्ट में पाई जाने वाली जो स्किन की पाई जाने वाली मिल्क ग्लैंड है उनसे इनका पोषण करते हैं, उन मिल्क ग्लैंड के अंदर से मिल्क निकलता है और उनको ये दूध पिलाते हैं, यानी अंडे देते हैं लेकिन बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये अपने आप में इसीलिए अजीब प्राणी है। और ये जो एकिडना है, इस एकिडना ये अंडे देते हुए और ये इसका बच्चा है, इसको बच्चे को अपने अंदर चिपकाए हुए है और वो बच्चा दूध पी रहा है, इसकी स्किन पर पाई जाने वाली जो जो मिल्क ग्लैंड्स हैं, मिल्क ग्लैंड ही कहेंगे, मेमोरी ग्लैंड तो है नहीं क्योंकि उनके अंदर ट्रू मेमोरी ग्लैंड नहीं है क्योंकि उनके अंदर निपल या टीट्स नहीं पाए थे, तो उस मिल्क ग्लैंड के अंदर इनमें से मिल्क निकलता है और ये आराम से उससे बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब आते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मोनोड्रेम्स। द बॉडी इज कवर्ड विद द सॉफ्ट हेयर इन द प्लेटिपस एंड हेयर ऑन द डोर्सल साइड मे बी कोर्स और स्पाइन लाइक इन एकिडना। द डिजिट्स एंड इन द शार्प क्लॉज एंड आर वेब्ड, जैसा कि अभी होता है। मेमोरी ग्लैंड्स आर डिवाइड ऑफ टीट्स एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स ओपन इन टू ए सेलो डिप्रेशन ऑन द वेंट्रल साइड। पिन्ना इज डिस्टिंक्ट बट स्मॉल, पिन्ना पाया जाता है यानी एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है लेकिन छोटा पाया जाता है। टेल में भी प्रेजेंट और एबसेंट, टेल या तो पाई जा सकती है या फिर बहुत छोटी सी पाई जाती है क्योंकि टेल का इनके लिए कोई रोल नहीं होता। इन मेल पॉइजन स्पर इज प्रेजेंट ऑन द हाइंड लिम्स, हाइंड लिम के अंदर एक नाखून में इनमें विष का क्लॉ पाया जाता है, एक जहर का क्लॉ पाया जाता है जिसकी शायद जो इनका प्रोटेक्शन करता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओवर आईज, आंखों के ऊपर एक निमिषक पटल पाया जाता है। इनका स्केलेटल सिस्टम देखें, स्कल की बात करें तो स्कल इज स्पेशियस एंड बोन्स आर स्मूथ एंड थिन एंड सिच्योर ऑफ स्कल आर ऑब्लिट्रेटेड, यानी कि उसमें सिच्योर नहीं पाई जाती, ऊपर से नहीं देखी जाती। ऑडिटरी रिंग इज इनकम्प्लीट एंड लूजली अटैच विद द स्कल,
lacrimal bone is absent. In the absence of the alisphenoid bone, the additional bone called echidna pterygoid, which is the homologous with that of reptilian ectopterygoid, is present to the usual mammalian pterygoid. Nasal and premaxilla are drawn out into a rostrum. Pterygoid bone is present. Jugal is reduced and milius. जो कानों में जो तीन हड्डियां पाई जाती मिलियस इनकस और स्टेपिस उनमें से मिलियस इज लार्ज एंड स्टेपिस इज इम्परफोरेट. मैंडिबल यानी जिसे लोअर जॉ कहते हैं. मैंडिबल इज अ सिलेंडर एंड स्लाइटली मार्क्ड कोरोनॉइड प्रोसेस. द स्कैपुलर स्पाइन इज प्लेस्ड एट द इंटीरियर बॉर्डर एंड द जॉबोन एंगुलर एंड कोरोकॉइड प्रोसेस आर द इल डेवलप्ड मैंडिबुलर सिम्फाइसिस इज एब्सेंट. Teeth are replaced by a horny paired adult and young possess the teeth. Dental formula of the young are 0123/5123. यानी ऊपर की जबड़े में 0123 और निचली जबड़े में 5123 पाए जाते हैं. Vertebral column की बात करें इनकी तो epiphysis is rarely developed in vertebrae. Zygapophysis in vertebrae, in cervical vertebrae are ill-developed, यानि बहुत ही कम weakly developed होती हैं. Thoracico-lumbar vertebrae are 19 and sacral are 2 to 4 in number. Caudal vertebrae are variable in number. बहुत सारी vertebrae हो सकती हैं. Caudal vertebrae, cervical ribs are present. The ribs are provided with the only capitulum. Capitulum इनमें पाया जाता है ribs के अंदर, पसलियों के अंदर. Now pectoral girdle. पेक्टोरल गर्डल जो कंधे की गर्डल है, इट इज बिल्ट इन द टिपिकल रेप्टिलियन प्लान. रेप्टिलियन प्लान से मिलकर के बनी होती है. रेप्टिलिया में जैसे पाई जाती है उसी प्रकार से इनके अंदर पाई जाती है. स्केपुला इज इलोंगेटेड एंड विदाउट स्पाइन. एक्रोमियन प्रोसेस इज वेल डेवलप्ड एंड कोरोकॉइड इज लार्ज. पेल्विक गर्डल की बात करें यानी कूल्हे की जो बोन है उसकी बात करें तो एसिटेबुलम इज परफोरेटेड. इनका जो एसिटेबुलम छिद्र है जिसमें ह्यूमरस का सिर फिट होता है वह है परफोरेटेड होता है, छिद्रयुक्त होता है. इशियोप्यूबिक सिम्फाइसिस इज प्रेजेंट. एपीप्यूबिस बोन इज प्रेजेंट. स्टर्नम टी शेप इंटरक्लेविकल इज प्रेजेंट इन द स्टर्नम एंड करस्पोंडिंग टू दैट ऑफ रेप्टाइल्स. बिल्कुल रेप्टाइल्स से मिलता जुलता स्टर्नम होता है इनका. लिम्स की बात करें तो ह्यूमरस इज फ्लैट एंड हैविंग ए लिटिल डेवलप्ड ओलिकोरिनल प्रोसेस. Femur is flat with the prominent trochanter patella is large. And internal organs की बात करें तो tongue is the long sticky saliva of the thick consistency. Sweat glands, sebaceous glands are present in their skin. Cloaca is well developed. Erectile penis is present in the males and testes are abdominal in position immediately behind the kidney and the paired oviduct open directly into cloaca. क्लोएका पाई जाती है इनमें. कोई वेजाइनल या कोई यूरिनली अपर्चर नहीं पाया जाता. वेंट्रल एब्डोमिनल वेन इज प्रेजेंट. द सेरिबरम ऑफ द ब्रेन इज स्मूथ एंड डज नॉट कवर द सेरिबलम. कॉर्पस कॉलोसम इज एब्सेंट. एग्स आर प्रोवाइडेड विद अ मच योक. जैसे कि रेप्टाइल में पाए जाते हैं उसी प्रकार से योक इनमें पाए जाते हैं, यानी योकी एग होते हैं. एग्सेल इज लीदरी, लेदर के समान इनका एग शेल कवच होता है. सेगमेंटेशन इज मीरोब्लास्टिक एंड बॉडी टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन द 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड. अब कुछ मोनोट्रिम्स के पेक्यूलर फीचर्स हैं जो मैमल्स से ना रेप्टाइल से बिल्कुल अलग ही हैं अपने आप में. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि जैसे कि पहला है अपर जॉ इज प्रोड्यूस्ड इन टू द डिप्रेस्ड बीक इन प्लेटिपस एंड पॉइंटेड रोस्ट्रम इन द टैकेग्लोसस और एकिडना. यानी बीक के समान प्लेटिनम प्लेटिपस में पाया जाना और एक चोंच के समान लंबी पतली सिलिंड्रिकल चोंच के समान टैकेग्लोसस एकिडना में पाया जाना, ये इनका पेक्यूलियर करेक्टर है. मेमोरी ग्लैंड्स आर अनस्पेशलाइज्ड विदाउट द निपल्स एंड टीट्स. मेमोरी ग्लैंड्स कोई विशिष्ट होती हैं लेकिन वो निपल्स और टीट्स के बिना होती हैं. मेमोरी ग्लैंड्स ओपन इनटू द अनस्पेशलाइज्ड स्किन सरफेस. स्किन सरफेस पर डायरेक्ट खुलती हैं और स्किन सरफेस पर उसमें मिल्क आता है और मिल्क को डायरेक्ट वो फीडिंग करते हैं बच्चे. टेम्परेरी मार्सुपियल पाउच यानी इनक्यूबेटोरियम अकर इन द फीमेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ओनली इन टैकीग्लोसस. टेम्परेरी ब्रूड पाउच पाया जाता है इनमें. दे आर नॉट फुली होम्योथर्म्स एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ द टैकीग्लोसस फ्लक्चुएट फ्रॉम द 29 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज लो. तो इनका 29 से 32 डिग्री के बीच में रहता है चाहे वाली वातावरण का टेम्परेचर कितना ही फ्लक्चुएट करे.
लेकिन ये 29 से 32 के बीच में मेंटेन रखते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर. प्लैटिपस ओनली एम्ब्रियोनिक टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द हॉर्नी टीथ एंड द हॉर्नी प्लेट्स इन एडल्ट्स. टैकिग्लोसस टीथ आर टोटली एब्सेंट. टैकिग्लोसस में तो टीथ पाए ही नहीं जाते हैं. स्पेशलाइज्ड फीचर्स, कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर इस प्रकार हैं कि दो दे पजेस मेनी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स एंड आल्सो हैव मेनी स्पेशलाइजेशन. प्रोटोथीरियंस में कुछ विशिष्टताएं और हैं, जैसे कि क्लॉड फीट इन एकिडना आर यूज्ड टू ब्रेकिंग द एंट नेस्ट. एकिडना के अंदर पाए जाने वाले जो क्लॉज हैं वह चींटियों के घर को तोड़ने के लिए, डोम्स को तोड़ने के लिए काम करता है उसको, जिससे कि वो चींटियों को खा सके. चींटियां इनका प्रिय भोजन होती है. द लार्ज टंग ऑफ द एकिडना इज एम्प्लॉयड फॉर द एंट ईटिंग पर्पस. इनकी जो जीभ है पतली और लंबी धागे के समान होती है, चिपचिपी होती है, जिससे वो चींटियों को चिपका करके और मुंह में ले लेती है. फीट आर यूज टू वॉकिंग डिगिंग एंड स्विमिंग. इनके जो पैर हैं वो तैरने के काम करते हैं, खोदने का काम करते हैं और चलने का काम करते हैं. एंड द मेल पजेस ए होलो टार्सल स्पर और प्रोजेक्शन ऑफ टार्सल रीजन इन द हैंड लिम्ब कनेक्टेड विद ए क्रूरल ग्लैंड. Excretion is poisonous. इनमें poisonous स्पर पाया जाता है जो विषैला एक नख इनके पश्च पैर में पाया जाता है. Nostril open into the dorsal side and suture are obliterated in the skull. The platypus ornithorhynchus is highly adapted for the aquatic life. यानी जलीय जीवन के लिए भी ये highly adapted होते हैं. जैसे कि ये duckbill platypus है, ornithorhynchus anatinus जिसकी मुंह के स्थान पर एक लंबी चोंच, बतक की सी चोंच पाई जा रही है, पैर इसके बिल्कुल जालीनुमा और इस बतक के से पाए जा रहे हैं, इसका पूरे बदन पर बाल ही बाल पाए जाते हैं, हेयर ऑन द बॉडी प्रेजेंट, और उसके बाद इसकी पूंछ है बिल्कुल डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन है और मजबूत है, प्रीहेंसाइल है. ऑर्डर मोनोट्रीमेटा कंप्राइज द टू फैमिलीज ऑर्निथोरिनकेडी एंड टैकिग्लोसिडी. द फैमिली ऑर्निथोरिनकेडी द स्नाउट इज फ्लैट इलोंगेटेड एंड कवर्ड विद ए लेदरी स्किन एंड द बॉडी इज द विदाउट हेयर एंड कवर्ड विद ए डेंस स्पर फर. द टेल इज शॉर्ट एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. लेग्स आर शॉर्ट एंड लॉन्ग वेब्ड डिजिट्स यूज्ड फॉर पैडिंग. निपल्स एंड टीथ्स आर एब्सेंट ऑन बोथ फैमिलीज प्लैटिपस ऑर्निथोरिनकस. सेकेंड वन इज द टैकिग्लोसिडी. द स्नाउट इज इलोंगेटेड एंड टेपर्ड. बॉडी इज कवर्ड विद ए स्पाइन एंड हेयर. टेल इज वेरी शॉर्ट एंड लिम्स आर स्टाउट एंड क्लॉड डिजिट्स आर यूज्ड फॉर डिंगिंग. Temporary marsupial pouch is formed in the abdomen during the breeding season. Echidna, proechidna, these are the examples of this family. Affinities of monotremata. Reptilian affinity. The presence of preboomer and ectopterygoid in the skull is the affinity of reptile. Is the reptilian character in the monotremes. Another reptilian character is that zygomatic arch is perforated by the temporal canal and which is believed to be the post-temporal fossa of the reptile. At the posterior end of the palate, a pair of bone doubtful nature in the present, according to many of these, represent some reptilian skull bone. Fourth one is the ribs are the single-headed, excepting the cervical ribs. Cervical ribs are the present. And coracoid is well developed and palate like epicoracoid is present. V-shaped interclavicle epipubic bone is present. Acetabulum is perforated. Absence of epiphysis in the vertebrae except the tail region in platypus. And the corpus callosum is absent. Ventral abdominal vein is present. Body temperature is not constant. Cloaca is present and it is shallow. And testes are abdominal. The median penis is composed of corpus spongiosum and corpus fibrosum and bear a groove that transmits the spermatozoa but not urine like the other mammals. Presence of different glands in the oviduct, oviparous and meroblastic segmentation, no uterine gestation. Remark, the presence of strong reptilian feature in the monotremata speaks its primitiveness. And these primitive mammals have failed to cope up with the many of the evolutionary transformation which culminated in the establishment of the better characteristic in higher mammals. तो इस प्रकार से इनका reptilian character का पाया जाना ये एक primitiveness इनकी show करता है और ये बताता है कि ये primitive mammalian है, लेकिन कुछ कारणों से ये इनका पूरा development नहीं हो पाया और eutherian नहीं बन पाए और ये prototherian ही बने रहे. Avian affinities, अब इनके पक्षियों से भी मिलते जुलते हैं, जैसे कि teeth are present, absent, or beak is present. This is the avian character.
word character. Sutures of the skull are obliterated, and the presence of webbed feet and shape of the beak in the platypus resemble the birds. Presence of spur in the tarsal region and the presence of oil glands is also the avian character. Now, the remark is that the relationship between the monotremata and birds does not stand for a solid ground, but the converging character noticed in them are due to the more of the fact that the both possess common reptilian ancestry. यानी दोनों का ही reptilian ancestry, reptilian से विकास हुआ है, ये शो करते हैं. कुछ mammalian affinities हैं कि presence of hair on and presence of mammary glands and presence of oil glands or presence of sweat glands in the skin are the mammalian characters. Second one is double occipital condyle in the skull is the mammalian character. Single jawbone or dentary is the mammalian character. Presence of palate and jaw attachment of the craniostyle is the mammalian character. Sternum is segmented and cervical vertebrae are 7. And this is also a mammalian character. Circulatory system is typically mammalian. Diaphragm is present. Presence of proportionately large ear ossicles. And cloaca is slightly coiled, cerebellum is well developed, presence of carpora is quadrigemina, fertilization is internal are also mammalian characters. Now we can say that the monotremes show affinity with the non-mammalian group. The above mentioned characters unequivocally speak close to and firm affinity with the mammals. इनको मेमल्स में रखा जाना ही उचित है, हालांकि इनकी जो affinities हैं mammalians, reptilians से भी मिलती हैं. Affinities with marsupials, metatherians से भी कुछ affinities मिलती जुलती हैं, जैसे कि structure of skull, presence of marsupial bone, glandular inflection and general contour of bone, brain, bulbo-urethral gland का पाया जाना, resemblance between the fetal monotreme and marsupial, mode of milk secretion is the marsupial से मिलता जुलता है. ये 7 characters इनको ये शो कर marsupial से affinity शो करते हैं, लेकिन इनके बारे में ये remark दे सकते हैं कि considering the similarities, Gregory has supported the monotremes originated from the sun pre-marsupial stock and their present feature are due to the degeneration, neoteny or specialization. He has included the both monotremes and marsupials in his subclass Marsupiontia. But the most of the accepted with this view is the monotremes are originated from the principal line of the evolution of mammals. And now the systematic position of monotremes. The fossils of the monotremes are not known before the Pleistocene. So, to determine the systematic position of monotremata becomes the difficult to lack of paleontological evidences. Regarding the systematic position, many authors from the time to time pass their opinion. Newman, 1939, said that the monotremes represent the end product of a slender evolutionary line of a mammalian evolution. They arose during Triassic from some different mammals like reptile-like stock and along with the multituberculata, but were not derived from the fitter. And Howell, Romer, Corbeck and Mosset and Grassi said that the monotremes are the divergent branch of the mammalian line, descended separated from the very early time of the Jurassic. Jurassic की प्रारंभिक शुरुआत में एक divergent line से बने हुए monotremes होते हैं. Carter ने 1967 में ये बताया कि monotremes are not ancestors of higher mammals, but are believed to be a side branch of the mammalian evolution, probably separated since Triassic times. Mammalian evolution में एक side branch से बन करके monotremes का विकास हुआ है. कोई मेमल्स ये ट्रू मेमल्स नहीं है. कोलवर्ट ने 69 में ये बताया कि मोनोट्रेम्स रिप्रेजेंट ए क्वाइट सेपरेट लाइन ऑफ द डिसेंट फ्रॉम द मेमल लाइक रेप्टाइल्स एंड कंटेनिंग एन आइसोलेटेड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. पार्कर और हासवेल ने ये बताया कि मोनोट्रेम्स डेवलप्ड फ्रॉम एन अर्ली स्टॉक ट्रायसिक साइनोडॉन्ट्स द प्रिंसिपल मेमेलियन लाइन ऑफ डिसेंट. एंड दिस इज all about the monotremes or prototherians. Thank you. Thank you very much.